नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदेश योगी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल साइंस मैनिक। जैसा कि आप जानते हैं, मैं समय समय पर आपके समक्ष वाइल्ड एनिमल्स लेकर आता रहता हूं और उनके बारे में जानकारी देता हूं। अभी अभी मुझे सूचना मिली कि पास के एक गांव में एक सर्प परेशान कर रहा है। आओ देखते हैं कौन सा सांप है। दोस्तों, सांप अक्सर झाड़ियों में छिपे रहते हैं क्योंकि ओपन खेत में ये आसानी से देखे जा सकते हैं, इसलिए ये खुद के लिए ऐसी जगह तलाशते हैं जहां आसानी से छिपा जा सके। अभी मैं खोज रहा हूं, लेकिन कई बार खतरा बना रहता है क्योंकि जब तक सांप की पहचान नहीं हो जाती तब तक पता नहीं चलता कि जहरीला है या नहीं। आखिर मिल ही गया दोस्तों, जैसा कि आप इसको तेजी से चलते हुए देख रहे हैं। ब्लैक और नीले रंग का एकदम पतला और चमकीला सांप है ये। अभी मैं नहीं बता सकता कि ये कौन सी स्पीसीज है। पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसको स्टडी किया जाएगा और यहाँ से दूर कहीं जंगलों में रिलीज किया जाएगा। आपको वार्निंग दी जाती है, किसी भी सांप को हाथ से छूने की गलती कभी ना करें क्योंकि इससे सांप हमला भी कर सकता है और ये जानलेवा हो सकता है। दोस्तों, देखने में ये मुझे वुल्फ स्नेक लग नहीं 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 दोस्तों, ये शायद करैत है। मैं इसको सही से देख लेता हूँ एक बार। दोस्तों, काफी चमकीला है और फिलहाल ये थोड़ा सुस्त नजर आ रहा है, लेकिन ये पक्का है कि ये इंडियन करैत सांप है। देखिए कैसे ये लकड़ी पर लिपटने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, वीडियो काफी रोचक होने वाला है, इसलिए अंत तक बने रहिए हमारे साथ। इसे अब खुले मैदान में लेकर चलते हैं और आपको जानकारी देते हैं। दोस्तों, जिस सांप को मैंने पूंछ से पकड़ा हुआ है, आपको बता दूं हिंदुस्तान के चार सबसे खतरनाक सांपों में से एक है। जी हाँ, ये है करैत। करैत को कॉमन करैत या बंगारस सेरुलियस भी बोला जाता है। इसे इंडियन करैत और ब्लू करैत भी कहते हैं। ये बहुत जहरीला और खतरनाक सांप होता है। इसकी गिनती हिंदुस्तान के चार सबसे खतरनाक सांपों में की जाती है। ये लगभग 4 फीट लंबा सांप है और इस वक्त जीभ निकालकर आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, इनकी औसत लंबाई 1.5 से 4 फीट तक हो सकती है, लेकिन कुछ सांप 6 फीट तक भी लंबे हो जाते हैं। मादा की तुलना में नर अधिक लंबे और लंबी पूंछ वाले होते हैं, जबकि मादा थोड़ी छोटी और छोटी पूंछ वाली होती है। दोस्तों, ये सांप जो हमारे सामने है, ये भी एक नर सांप ही है। अगर बात सांप की पहचान की जाए तो आपको बता दें, करैत सांप पतला काले रंग का होता है। काले रंग के साथ साथ इसकी चमड़ी पर सफेद रंग की धारियां भी होती हैं। याद रखें, करैत काफी जहरीला सांप है। करैत मुख्य रूप से अपने से छोटे सांप, चूहे और मेंढकों का शिकार करता है। साथियों, ये फुल एडल्ट सांप है जो कई बार काफी चमकदार दिखाई देते हैं। स्केल्स पंक्तियों में मिलते हैं और पंक्तियों की संख्या 15 से 17 हो सकती है। वर्टिब्रल रो रीढ़ से होकर गुजरती है जो बड़ी और हेक्सागोनल होती है। अगर बात वेंट्रल्स की जाए तो इनकी बॉडी पर वेंट्रल्स की संख्या 185 से 225 और कॉडल्स की संख्या 37 से 50 होती है। आम तौर पर इनका रंग काला और नीला होता है। बॉडी पर लगभग 40 पतले सफ़ेद क्रॉस बार पाए जाते हैं जो मुंह की तरफ अनुपस्थित भी हो सकते हैं। यंग करैत में पैटर्न हालांकि कंप्लीट और वेल डिफाइंड होता है, जिसमें आगे की तरफ भी क्रॉस बार्स मिलते हैं। बुजुर्ग करैत में संकरी सफ़ेद रेखा कसेरुक यानी रीढ़ वाले एरिया में, जो कनेक्टेड स्पोर्ट्स की श्रृंखला में होती है। आपको बता दें, करैत में अपर लिप्स और पेट पर आमतौर पर सफ़ेद प्रीओक्युलर मौजूद भी हो सकता है और नहीं भी। आमतौर पर दिन के वक्त ये इतने तेज नहीं चलते, लेकिन शायद ये अपने आसपास खतरा महसूस कर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड तेज है। मानसून के आते ही गांव से लेकर शहरों तक में सांपों का खतरा मंडराने लगता है। बारिश के दिनों में उमस बढ़ने के साथ ही सांप निकलने लगते हैं, जिसके कारण खतरा बढ़ जाता है। आपको बता दें, कुछ लोग ये भी मानते हैं कि करैत सांप इंसानों के साथ सोना पसंद करता है। इसके काटने का पता भी नहीं चलता क्योंकि इसके काटने से बहुत हल्का दर्द होता है और कई बार नींद में ही इंसान की मौत हो जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सांप यमदूत है और इसका होना मतलब मौत का होना है। दोस्तों, एक बाइट में इतना जहर इंजेक्ट कर देता है जिससे 40 से अधिक लोगों की मौत हो सकती है। दोस्तों, ये सांप वैसे भारत भर में जमीन पर रहता है और जमीन पर रहने वाले सांपों में सबसे अधिक जहरीला माना जाता है। काले स्लेटी रंग के इस सांप के शरीर पर गोल पट्टियाँ होती हैं। सांप को पकड़ने वालों की यदि माने तो दिखने में ये भले ही काफ़ी सुंदर और शांत नज़र आए, लेकिन ये बहुत जानलेवा होता है। दिन के उजाले में ये घरों के अंधेरे कोने, ईंट और लकड़ियों के ढेर में छिप जाता है।
करैत ठंडे खून वाला सांप है। गर्मी पाने के लिए यह इंसान के बिस्तर में घुस जाता है। इंसान के शरीर की गर्मी इसे अच्छी लगती है और ज़्यादातर ये इंसानी शरीर के ऊपरी हिस्से पर ही लिपटने की कोशिश करता है। करवट लेने के दौरान जैसे ही इंसान का शरीर सांप के संपर्क में आता है, सांप आदमी को डस लेता है। दोस्तों, इसको फिलहाल मालूम है कि ये इंसानी हाथों में है। देखिए कैसे नॉर्मल होने का दिखावा कर रहा है। शायद इसको मेरे हाथ की गर्मी काफ़ी पसंद आ रही है। आपको बता दें, ये इंसानी जिस्म की गर्मी को बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों, ये प्रजाति भारत में मुख्य रूप से सिंध से लेकर पश्चिमी बंगाल के मैदानी इलाकों और त्रिपुरा में भी पाई जाती है। साथ ही साथ ये दक्षिणी भारत और श्रीलंका में लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई तक भी पाया जा सकता है। भारत के अलावा करैत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में भी रिकॉर्ड किया गया है। दोस्तों, वैसे तो ये सांप कई तरह के आवास में रहता है, लेकिन खेतों और कम झाड़ी वाले जंगलों के साथ साथ ये आबादी वाले क्षेत्रों में भी पाया जाता है। घरों के अंदर ये दीमक के टीले, ईंट के ढेर, चूहे के छेद में घुसकर रहने लगता है। आमतौर पर ये अपने लिए ऐसा आवास खोजता है जहां इसको पानी के स्रोत आसानी से मिल सकें। दोस्तों, करैत में दिन और रात के समय के दौरान व्यवहार में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। आमतौर पर ये दिन के दौरान सुस्त और रोडेंट के छिद्रों, ढीली मिट्टी और मलबे के नीचे छिपे रहते हैं। ये अक्सर अपने शरीर को एक ढीली कुंडलित गेंद में घुमाता है जिससे उसका सिर अच्छी तरह से छिप जाए। हालांकि रात में सांप बहुत एक्टिव हो जाता है और जोर जोर से फुसफुसा कर चलता है। ये कभी कभी झुंझलाहट भी दिखाता है। मैंने इसको बहुत हल्के हाथों से पकड़ा हुआ है ताकि इसको बिल्कुल भी ओड फील ना हो। दोस्तों, आपको यकीन हो या ना हो, जब ये इस तरह मूव कर रहा है तो मेरी सांसें रुक सी गई हैं और धड़कनों की गति 150 के पार जा चुकी हैं। मैं एक बार फिर आपको वार्न कर रहा हूँ, जिंदगी में भूल से भी इसके पास जाने की गलती ना करें और छुएं तो भूले से भी ना, क्योंकि इसका एक बार आपको मौत की नींद सुला सकता है। देखिए कैसे ये मुझ पर हमला करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, मैं धीरे धीरे से भोले बाबा के इस सांप के मुंह को पकड़ता हूँ। जय भोले बाबा। देखिए दोस्तों, इसका सिर सपाट होता है और गर्दन शायद ही स्पष्ट दिखाई दे रही है। शरीर बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल होता है, जो पूंछ की तरफ टेपरिंग होता है। इसकी पूंछ छोटी और गोलाकार होती है। अगर बात आंखों की जाए तो आंखें इनमें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन गोल गोल पुतलियां पाई जाती हैं। इन सांपों में हेड सील्स सामान्य होती है, जिसमें लोरियल नहीं पाया जाता। निचले होंठ के मार्जिन के साथ चार सील्स पाए जाते हैं। तीसरा और चौथा सुप्रा ओक्युलर आँख को छूता है। दोस्तों, सांपों में विजन इतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, इसलिए ये बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालते हैं और आसपास के वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, करैत सांप को साइलेंट किलर भी बोला जाता है, क्योंकि करैत निशाचर है और रात में ही निकलता है। दिन में कम ही मनुष्यों का सामना इससे होता है। इसके द्वारा काटने की ज़्यादातर घटनाएँ रात में ही दर्ज की गई हैं। इसके दांत बारीक और नुकीले होते हैं। कई बार इसके काटने पर दर्द ना के बराबर होता है। इसी कारण इंसान को मालूम भी नहीं चलता कि उसको किसी सांप ने काट लिया है, और वो इसको हल्के में ले लेता है, जिसके कारण वो उपचार नहीं लेता। इस तरह काफ़ी देर हो जाने पर जहर पूरी बॉडी में फैलने लगता है और लगभग 2 घंटे बाद लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आप इसकी लाल और काली जीभ देख सकते हैं। ये बार बार जीभ बाहर इसलिए निकाल रहा है ताकि आसपास के माहौल की जांच की जा सके, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। इसके वेनम में पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, जिसके कारण नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है और पैरालिसिस होने लगता है। इसके जहर में प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। आपको बता दें, हमारे शरीर में लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, जिनकी हेल्प से हर तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान केमिकल की फॉर्म्स में होता है। 2 न्यूरॉन जहां एक दूसरे से जुड़ते हैं, उस स्थान को साइनेप्स बोला जाता है। इसी बिंदु पर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सूचना ट्रांसफर की जाती है। जब करैत किसी इंसान को काटता है तो ये बिंदु यानी साइनेप्स ही पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है। इस श्रेणी के सांप ज़्यादातर रात में ही निकलते हैं। चूँकि रात में इंसान सोते हैं, तो ये बिस्तर में घुसकर चुपके से काट लेते हैं। नींद में इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसको किसी सांप ने काट लिया है, क्योंकि इसके काटने से ज़्यादा दर्द नहीं होता। इसी कारण इनको साइलेंट किलर भी बोला जाता है।
आपको बता दें साथियों, ये सांप सीने में, पेट में और गर्दन पर ही काटता है, जिसके पीछे कुछ कारण देखे गए हैं। बता दें, इस जहरीले सांप के डंक से या तो पलकें झपकने लगती हैं या मसूड़ों से खून रिसने लगता है। इसके काटने के कुछ समय बाद मसूड़े और अन्य जगहों से खून बहना शुरू हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलना सबसे आम लक्षण है, जो कि करीब 95% मामलों में देखा गया है। आपको बता दें, इसके काटने पर प्रोग्रेसिव पैरालिसिस हो सकता है। पेट में ऐंठन होने लगती है, सांस लेने में समस्या होने लगती है और दम घुटने लगता है। 1 से 2 घंटों में मांसपेशियां ऐंठने लगती हैं। यदि समय पर उपचार नहीं मिलता तो 70 से 80% मामलों में इंसान की मौत हो जाती है। करैत मुख्य रूप से अपने से छोटे सांप, चूहे और मेंढकों का शिकार करता है। रात के अंधेरे में यह शिकार पर निकलता है। इसके शिकार ज्यादातर गांव के लोग बन जाते हैं। गांव में बारिश के मौसम में लोग जमीन पर भी सोते हैं, जो खतरनाक होता है। इसके काटने से नींद में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, मैंने मौत को अपने हाथ में लिया हुआ है। अगर गलती से भी इसने मुझ पर हमला कर दिया तो ये बहुत घातक हो सकता है। अगर कुछ ही वक्त में ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो काम तमाम होने की संभावना बनी रहती है। करैत का विष दंत यानी पॉइजन टीथ सुई की तरह बेहद पतला और छोटा होता है। इसके डसने से कोबरा या वाइपर की तरह पीड़ा और तेज दर्द नहीं होता। सोते समय इंसान को डसने के चलते करैत ज्यादातर पीठ, सीना और गर्दन या सिर पर हमला कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कई बार सांप के शिकार व्यक्ति की नींद भी नहीं खुलती और मौत हो जाती है। अक्सर बारिश के मौसम के दौरान सांप अपने छिपने के स्थानों से बाहर निकलते हैं और सूखे घरों में छिप जाते हैं। करैत मुख्य रूप से अपने से छोटे सांप, चूहे और मेंढकों का शिकार करता है। रात के अंधेरे में ये शिकार पर निकलते हैं। इनके शिकार ज्यादातर गांव के लोग भी बन जाते हैं। गांव में बारिश के मौसम में लोग जमीन पर सोते हैं, जो बेहद खतरनाक है। इसके काटने से नींद में ही इंसान की मौत हो जाती है। चूंकि मेरा सांपों से विशेष लव है, इसलिए ये मुझसे दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जिंदगी से सबको प्रेम होता है और ये जिंदगी छीन लेता है। दोस्तों देखिए, किस तरह से ये मेरी बॉडी पर आराम से मूव कर रहा है। इसके साथ अब मेरा एक अटूट रिश्ता बन गया है, इसलिए ये मेरे शरीर की गंध और गर्मी को महसूस कर रहा है और मजा ले रहा है। इसके काटने पर चींटी या मच्छर जैसा ही काटने जैसा महसूस होता है। आपको बता दें कि ये जब उत्तेजित होता है तो अपने सिर को छिपाकर शरीर को कुरेदने लगता है और झटकेदार हरकतें करता है। यह अपनी पूंछ भी उठा सकता है। काटने वाले सभी इंडियन स्नेक्स को देखा जाए तो ये काटने में दूसरे स्थान पर आता है। बांग्लादेश में 28% स्नेक बाइट के लिए अकेला करैत ही जिम्मेदार है। चलिए दोस्तों, अब इस नायाब दोस्त को इसके नेचुरल हैबिटेट में छोड़ने चलते हैं, ताकि ये आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी। अगली बार मैं आपको फिर नए जानवर के साथ मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सबको इसके बारे में पूरी और सही जानकारी मिल सके।